दोस्तों इस नए साल पर यमहा ने भी अपनी सारी बाइकों के प्राइस अपडेट कर दिए हैं और कीमत में थोड़ा थोड़ा इजाफा कर दिया है। कितना मैं आपको बताऊंगा। मेरे हाथ में है प्राइस लिस्ट 2024 के यमहा की सारी बाइकों की, जो कि मुझे शोरूम से मिला है, लेकिन इनके ऑफिशियल साइट पे भी प्राइस अपडेट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऑफिशियल साइट के तहत आपको दिखाऊं ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को नववर्ष के ढेरों शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, आपका परिवार भी खुश रहे। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यमहा की FZFI से। अब ये सबसे नीचे से मैं शुरुआत कर रहा हूं। इसकी एक्सोरूम प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 116,200 रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइस है। ऑनरोड प्राइस के लिए आप इसमें ऐड करेंगे 20,000 से लेकर 25,000 रुपए। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ऑनरोड प्राइस के लिए मैं 20 से 25,000 क्यों ऐड करवा रहा हूं, एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा हूं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जहां मैं रहता हूं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की प्राइस है। अब आप जैसे ही प्रयागराज से बाहर जाएंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे, तो ऑन रोड प्राइस में आप गजब का डिफरेंस देखेंगे। एक शोरूम प्राइस में 1-2 हजार का सिर्फ फर्क मिलेगा आपको, लेकिन ऑन रोड प्राइस अलग हो जाती है क्योंकि शोरूम वाले ऑन रोड प्राइस में बहुत झोल करते हैं। इसलिए मैं जो बजट बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप इतना अपना बजट रखते हैं ना, तो आप कहीं पे भी हो ऑल इंडिया आपको मिल जाएगी बाइक। ठीक है, अगली बाइक की तरफ बढ़ते हैं जो कि FZS FI है। ये 1,21,400 रुपए एक शोरूम प्राइस पे है। ऑन रोड प्राइस के लिए आप 20 से 25 हजार रुपए इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक इसका डार्क नाइट एडिशन आता है, मतलब ये अलग कलर है। इसमें इसकी प्राइस 1,000 रुपए महंगी है, आप ध्यान रखिएगा, इसी का FZS FI का। अब अगली बाइक है FZS FI वर्जन 4। अब वर्जन 4 की जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 1,28,900 रुपए एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस के लिए क्या करेंगे आप, 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगली है FZS FI वर्जन 4 का DLX वेरियंट, जिसमें आपको जो चक्के हैं, पहिए हैं, वो रंगीन मिलेंगे, साथ ही साथ क्रोम का इस्तेमाल भी भरपूर किया गया है। 1,29,400 रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस के लिए क्या करेंगे, 20 से 25 हजार रुपए ऐड कर देंगे। अगली आती है FZX। ये FZX में आप इस समय 1,36,200 रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइस देख रहे होंगे और इसकी ऑन रोड प्राइस के लिए आप ऐड करेंगे इसमें 22,000 से लेकर लगभग 26,000 रुपए, क्योंकि थोड़ी सी इसकी ऑन रोड प्राइस मेरे को महंगी लगती है। ठीक है, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अभी आप इसका ना मैट कॉपर कलर देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप जाते हैं इसके डार्क मैट ब्लू में, तो ये 1,000 रुपए महंगी हो जाएगी। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि है MT15 वर्जन 2। वर्जन 2 की तरफ जैसे ही आते हैं तो 1,67,200 रुपए 1,67,200 रुपीज इसकी एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस के लिए आप इसमें 25,000 से लेकर 30,000 रुपए ऐड करके रखिएगा, क्योंकि MT15 बहुत फेमस बाइक है और बहुत बिकती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके ऑन रोड प्राइस में शोरूम वाले सबसे ज्यादा झोल करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो MT15 लेने आ रहा है उसका शौक है, वो फैन है MT15 का, तो पैसा भी दबा के ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 25 से 30 हजार रुपए इसमें आप जोड़ दीजिएगा, तो आप ऑन रोड प्राइस पे पहुंच जाएंगे। इसके कलर वाइज इसमें आपको डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि अभी आप नॉर्मल वेरिएंट देख रहे हैं, जैसे ही आप MT15 के DLX वेरिएंट में आते हैं तो कीमत बढ़ के 1,71,200 रुपए 1,71,200 रुपीज इसकी एक्सोरूम प्राइस हो जाएगी, और आप इसमें 25 से 30 हजार रुपए अलग से ऐड करेंगे तो आप ऑन रोड प्राइस पे पहुंच जाएंगे। फिर हम आते हैं R15S की तरफ। इसमें है इसकी एक्सोरूम प्राइस 1,64,900 रुपए इसमें भी आपको ऐड करने पड़ेंगे 25,000 से लेकर 30,000 रुपए, तब आप इसके ऑन रोड प्राइस पे पहुंच जाएंगे, यानी कि कंप्लीट प्राइस पे। ठीक है, अब आता है हमारे पास R15 वर्जन 4, जिसे हम V4 बोलते हैं। अब R15 V4 में कलर वाइज कीमत ऊपर नीचे होगी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूंगा। अभी आप मेटेलिक रेड देख रहे हैं, 1,81,700 रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइस है। इसके बगल में जो दूसरा कलर आपको मिलता है डार्क नाइट, वो भी लगभग सेम प्राइस में, नहीं 1,000 रुपए महंगा है, माफ करिएगा, जो डार्क नाइट है वो 1,000 रुपए आपको इसमें भी महंगा मिलेगा, 1,82,700 रुपए इसकी एक्सोरूम प्राइस है। फिर आते हैं इसके रेसिंग ब्लू पे, जो कि और ज्यादा महंगा है, 1,86,700 रुपए 1,86,700 रुपीज इसकी एक्सोरूम प्राइस है। और फिर आता है इसका इंटेंसिटी वाइट, जो कि सेम कीमत है रेसिंग ब्लू की तरह, अब इसमें भी आप 25 से 30 हजार रुपए जोड़ दीजिएगा तो आप इसके कंप्लीट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। फिर आती है यहाँ पे यमहा R15M, जिसकी एक्सोरूम प्राइस है 1,95,700 रुपए 1,95,700 रुपीज ऑन रोड प्राइस के लिए आप 25 से 30 हजार रुपए इसमें भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इन्हीं का एक आता है मोस्टर एनर्जी एडिशन यमहा R15M में ही, जिसकी कीमत है 1,97,200 रुपए ऑन रोड प्राइस के लिए क्या करेंगे, 25 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा इसमें आप जोड़ेंगे। फिर आती है MT03,
इसकी एक्सोरो प्राइस है 4,59,900 रुपए, 4,59,900 रुपीज। इसकी ऑन रोड प्राइस मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो हमारे पास हमारे यहाँ जो शोरूम है उनके शोरूम पे ही ये बाइक नहीं है, तो उनके प्राइस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस में नहीं बता पाऊंगा, इसलिए ऑफिशियल साइट से आप जो है एक्सोरूम प्राइस जान सकते हैं। अब इसके बाद आती है R3, इसकी भी एक्सोरूम प्राइस है 4,64,900 रुपए, ऑन रोड प्राइस माफी चाहूंगा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि शोरूम के पास शोरूम वालों के पास नहीं है। और सही बताऊं तो प्रयागराज में कोई R3 या फिर इसके पहले जो मैंने आपको दिखाई उसको लेकर कोई जो है एक्साइटमेंट भी नहीं दिखती है कि लोग प्री बुकिंग करें शोरूम पे। मुझे लगता है कि अभी तक कोई भी प्री बुकिंग या फिर कोई भी जो है सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है, हमारे प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दी यहाँ की सारी बाइकों की लेटेस्ट प्राइस 2024 की। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो कॉमेंट में आके हमसे आप पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर आपका रिप्लाई करूंगा। कल फिर मिलूंगा, नई प्राइस लिस्ट लेकर आऊंगा दूसरी कंपनी की और दूसरी बाइक की, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, जय हिंद।